सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्रा। और हाँ, आप लोगों की बहुत डिमांड के बाद हाजिर है मैथ्स। तो मैथ्स का जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है ट्रायंगल्स। ये चैप्टर मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि सितंबर एग्जाम्स आने वाले, तुम्हारे मिड टर्म एग्जामिनेशन है और जो सीबीएसई ने टर्म वन का सिलेबस निकाला उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स है मैथ्स में। तो इनकी चार मेन एक्सरसाइजेज है, फिफ्थ वाली ऑप्शनल है। तो फिफ्थ वाली मैं जब बनाऊंगी तो मैं तुम्हें उसका वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल क्वांटिटेटिवली चार दिन आएंगे एक एक वीडियो, जिसमें हम एक वीडियो के अंदर एक एक्सरसाइज को कवर कर देंगे और चार दिन में तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार। 95% बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बड़ी गलत बात है यार, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, जल्दी इसे शुरू करते हैं। तो अभी तुम लोग बोर्ड पे देख सकते हो, इस ट्रायंगल्स के चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करने हैं वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंस जो है, अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करना है? तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास चार मेथड्स होते हैं। एक होता है SAS, साइड एंगल साइड। एक होता है तीन बार साइड, यानी कि SSS, तीन बार साइड्स वाली कॉन्ग्रुएंसी होती है। एक होता है एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हो। और एक होता है RHS, जो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए यूज होता है, ठीक है? अब सेकेंड जो हमारे पास आ जाता है वो है एंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा दो साइड्स एक एंगल, तीनों साइड्स दो एंगल्स एक साइड, हर चीज गिवन होगी। कुछ चीजों का तुम्हें अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे तुम्हें उसे यूज करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम करना है। तो सबसे पहली बात आ जाती है, तुम्हें अलग अलग टाइप के एंगल्स पता होने चाहिए, लाइक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, कौन से एंगल्स होते हैं। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को देखा जाए तो ये दो लाइन्स हैं, ठीक है? ये लाइन है ए बी, ये हटा दो लाइन है ना, ये ए बी है और ये सी डी है। अब तुम्हें इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताने हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अगर यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स की बात की जाए तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ये को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो लाई करते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यानी कि अगर ये पैरेलल लाइंस है ए बी और सी डी, अगर ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है और ये लाइन ए और ये जो लाइन है, ये लाइन ले लो लाइन एल, ये जो लाइन एल है ये ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो जो ये एंगल वन और एंगल टू ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जिनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स की अगर बात करूं तो यहां देखो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में ऐसे सपोज ये लाइन है, तो ये जो एंगल वन है और ये जो एंगल टू है ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल वो होती है, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को बीच में से कट करती है, उनमें से पास कर जाती है ऐसे। तो अगर ये लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये जो लाइन एल है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है? अब कुछ थ्योरम्स हैं। अब इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स भी हैं, लाइक थ्योरम्स कौन सी है इस चैप्टर में? जो हमारी दो मेन थ्योरम्स हमें यूज करनी है वो ये है, द साइड विच इज ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट साइड, द साइड विच इज ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट साइड, द एंगल विच इज ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट एंगल, द एंगल विच इज ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ये कुछ बेसिक सी थ्योरम है, तुम्हें याद करनी है। जब हम वो वाली एक्सरसाइज करेंगे तो मैं तुम्हें थ्योरम लिख के भी एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया कि चैप्टर में है क्या। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 विद एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं। सो अब जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का वो करा रही हूँ। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन क्या है कि फिगर में दे रखा है ओ इज इक्वल टू ओ बी, जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है, ठीक है? फिर दे रखा है कि ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, अब जो ओ सी है वो ओ डी के इक्वल है, तो यहाँ पे ये मार्क कर लो। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ सी। अब ये कैसे प्रूफ होगा?
पहले तो यहाँ पे लिखना कैसे है वो देखो। यहाँ तुम लिख दोगे सोल्यूशन, तुमने सोल्यूशन लिखा, फिर लिखोगे इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। पहले तो जो चीज गिवन है वो लिख लो, OA इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC। ये दोनों क्या चीजें हैं? गिवन है, यानी कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। अब हमें एक और चीज चाहिए। अब कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। अब कौन सी ऐसी चीज है जो तुम इसमें ऐड करोगे ताकि ये कॉन्ग्रुएंट हो? तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, एंगल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंगल कौन सा? एंगल सी ओ बी एंड एंगल ए ओ डी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इनको तुम ये भी कह सकते हो, एंगल बी ओ सी भी बोल सकते हो, एंगल डी ओ ए भी बोल सकते हो, जैसे तुम चाहो उसकी नेमिंग कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो वाला अल्फाबेट बीच में हो। तो इसको मैं लिखूंगी एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। अब इसका रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे, तो अब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो अब लिखोगे विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। किससे कॉन्ग्रुएंट है ये? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब जब भी तुम लोग कर रहे हो क्वेश्चन को, मेक श्योर तुम जिस रूल से उसे कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो वो तुम लिखो, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। अब तुम्हें क्या देखना है? अब तुम्हें ये प्रूफ करना है। एक पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट जो था इस क्वेश्चन का हमने वो कर लिया प्रूफ। अब तुम्हें और क्या प्रूफ करना है इसमें? सेकेंड ये टिक कर लो। अब सेकेंड क्या है? तुम्हें ए डी पैरेलल टू बी सी प्रूफ करना है, यानी कि जो ये ए डी है ये पैरेलल है बी सी के। कैसे करोगे? सीपीसीटी का यूज करके। सीपीसीटी क्या है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट डालो यहाँ पे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया, क्योंकि एंगल ए सॉरी ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी जो एंगल डी के इक्वल है। अब जब ये दोनों इक्वल हैं, तो अब यहां ध्यान से देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी बना रहे हैं। एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल सी और एंगल डी भी एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो क्योंकि एंगल बी और एंगल ए ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बिकॉज एंगल ए एंड एंगल बी आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स विच इंप्लाइज ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ऑल्टरनेट एंगल्स कब होते हैं? जब लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो अब ये इक्वल एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये लाइन्स भी पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल होता है समाप्त। तो अगला एग्जाम्पल आता है वो है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और जो लाइन एल है, लाइन एल जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये लाइन एल है, ये जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब भी मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अब ये बोलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। अब अगर पॉइंट पी लाइन एल पर कहीं है, यानी कि लाइन एल पर पॉइंट पी एक पॉइंट है, तो बताओ, शो करो, ये प्रूफ करो कि जो पॉइंट पी है वो ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि जो ए पी का डिस्टेंस है वही पी बी का डिस्टेंस है। तो ये तुम्हें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? तो देखो, सबसे पहली बात तो तुम यहां ये फिगर बनानी पड़ेगी। अभी फिगर कैसे बनती है देखो, ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट है ए बी। अब इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एल, लाइन एल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये लाइन एल है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहली बात क्या बनाएगी? 90 डिग्री के एंगल। तो इस पॉइंट को एम मार्क कर लो, कोई भी तुम्हें जो भी मार्क करना है, ए बी सी डी, मतलब
ए भी तो नहीं मार्क करोगे, सी कर लो, डी कर लो, जो तो मैं मार्क करना, मैंने एम कर दिया है, तो इस पॉइंट को एम मार्क कर लो जहाँ पे वो 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये ए एम जो हो गया वो बी एम से इक्वल हो गया। अब ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ये लाइन एल पर कहीं पड़ता है, तो अब क्या करोगे तुम, ए को पी से ज्वाइन कर दो और बी को क्या करो, पी से ज्वाइन कर दो। अब तुम्हें ए एम पी, ट्राइंगल ए एम पी और बी एम पी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा ताकि तुम ए पी और बी पी को इक्वल प्रूफ कर सको, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ये जो फिगर है ये कैसे बनेगी। अब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एल जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया, एक हमें साइड मिल गई जो इक्वल है। अब एक और चीज चाहिए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को प्रूफ करने के लिए, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में और क्या अवेलेबल है। पीएम, पीएम जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ट्राइंगल ए एम पी में भी एक 90 डिग्री का एंगल है, एक ए एम जो है वो बी एम की इक्वल है और एक पी एम है जो कॉमन है, सेम इसी के साथ है, ट्राइंगल बी एम पी के साथ भी सेम चीज है। तो अब कैसे प्रूफ करोगे, एक साइड कॉमन होगी, पी एम इज इक्वल टू पी एम क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की, एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल बी एम पी, एंगल एंगल ए एम पी, एम बीच में आ रहा है, ठीक है, जो एंगल जिस पॉइंट पे बनता है वो जो होता है वो बीच में आता है अल्फाबेट, ये हमेशा ध्यान रखना, ये रूल अगर तुम ऐसे नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ए एम पी जो है वो इक्वल है बी एम पी के, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि एल ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रखा है। अगला ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्यों, क्योंकि एल जो है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो पी एम है वो ट्राइंगल ए बी, ए बी पी के अंदर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए जो ए एम है वो बी एम की इक्वल है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हेंस ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है। तो इसलिए ए एम और बी एम इक्वल है, क्यों, क्योंकि लाइन एल या फिर पी एम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इससे हमने ट्राइंगल ए एम पी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया ट्राइंगल बी एम पी से, एस ए एस रूल का यूज करके। ध्यान देखो, रूल जरूर मेंशन करना है, नंबर कट जाएंगे। ए पी जो है, अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल लग गया, सीपी सी टी लग गया, तो सीपी सी टी का यूज करके ये दोनों हो गए इक्वल। तो हेंस प्रूफ कि पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एज वेल एज बी, ठीक है। ओके, सो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के थर्ड एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है ए बी सी डी के पैरेलल है, पैरेलल को इंडिकेट करने के लिए मैंने ऐसे एरो टाइप बना रखे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, जो ए डी लाइन सेगमेंट ये बनता है उसका ओ जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है ए ओ जो है वो ओडी के इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ओ सी, यानी कि ए ओ बी जो ट्रायंगल बनता है और जो डी ओ सी ट्रायंगल बनता है उन्हें हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट। साथ ही साथ हमें ये प्रूफ करना है कि जो ओ है, जो ओ है वो सी डी का भी, सॉरी सी बी का भी मिड पॉइंट है। वो कैसे प्रूफ होगा, जब सी ओ और बी ओ इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, तो उसके लिए भी हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। तो ये देखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, पहली बात कौन सा एंगल कॉमन हो गया, कौन सा एंगल इक्वल हो गए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल, जो ये एंगल बन रहा है ना ओ ए बी, ये इक्वल है इस एंगल के, एंगल ओ डी सी के इक्वल है, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है, जब ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं इसलिए ये इक्वल है। अगला आ जाता है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, यानी कि एंगल ए ओ बी ये वाला है, एंगल ए ओ बी ये वाला है और एंगल डी ओ सी ये वाला है, ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, स्टार्टिंग में पढ़ाया था रिकॉल करो, तो ये इक्वल है। तो एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, तीसरा ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, क्यों, क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इसलिए अब ये तीन चीजें प्रूव हो गई, हमें तीन चीजें मिल गई इक्वल। तो ट्राइंगल्स किस
उससे कॉन्ग्रेंट हुए, किस रूल से कॉन्ग्रेंट हुए? ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय AAS कॉन्ग्रेंसी रूल। रूल मेंशन करना मत भूलना, मत भूलना, बार बार बोल रही हूँ, मेरे खुद के मार्क्स बहुत बार कटे हुए इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, रूल मेंशन करना मत भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो दो ट्राइंगल थे, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DOC बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं इसलिए BO इज इक्वल टू CO वाया CPCT। CPCT कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को यूज करेंगे, कहेंगे कि BO अब CO के इक्वल है, हेंस प्रूव दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर वन जो है वो है इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, नेमिंग देखो ACBD इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। शो करो कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD, ये प्रूफ करना है। साथ ही साथ वो क्वेश्चन में कहते हैं कि आपको BD और BC के बारे में क्या लगता है, यानी कि इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि BD और BC को भी इक्वल प्रूफ करो। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहली बात इसमें भी SAS कॉन्ग्रेंसी रूल लगने वाला है, मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है। साइड हमें कौन सी साइड गिवन है, हमें दे रखा है AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। साइड पहली बात, पहला पार्ट जो है साइड वो AC इज इक्वल टू AD गिवन है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। फिर अगला एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल CAB ये जो है इज इक्वल टू एंगल DAB, इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि AB जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। अगला लास्ट जो है SAS का, AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB, क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में AB कॉमन है इसलिए वो आ गया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है, और CPCT से BC इज कॉन्ग्रेंट टू BD। क्वेश्चन यही समर टू है, उसके अंदर क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें AD जो है वो BC के इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है, एंगल DAB जो है वो एंगल CBA इसके इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है ये इक्वल है। अब हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल ABD यानी कि ये वाला, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल BAC ये ट्राइंगल के इक्वल है, यानी कि मैंने थोड़ा डिमार्केट करने के लिए थोड़ा से डार्क कर दिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो BD है वो AC के इक्वल है, यानी कि जो ये BD है ये AC के इक्वल है, और हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ABD यार, एंगल ABD यानी कि ये छोटा वाला एंगल किसके इक्वल है, BAC के, BAC यानी कि इस छोटे वाले एंगल के इक्वल है। तो कैसे होगा, अगेन कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे SAS रूल को यूज करके, ट्राइंगल ABD और BAC के अंदर ढूंढो क्या चीजें कॉमन है, दो चीजें तो यही दे रखी हैं, AD इज इक्वल टू BC ये गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ये भी गिवन है, कॉमन क्या है, AB कॉमन है दोनों में, ये देखो कॉमन बेस है इनका, अगर ये चीज हटा दो यहां से, ये दो चीजें हटा दी, अब हमारे पास एक ये ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, कॉमन बेस है इनका, यहां ध्यान से देखो AB जो है वो कॉमन बेस आ गया, तो कॉमन बेस है तो ये कॉमन हो गया, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आधा यही हो गया कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC बाय SAS रूल। क्या क्या गिवन था यहाँ पे, एक था AD इज इक्वल टू BC, AD जो है वो BC के इक्वल है, एंगल DAB ये जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल है, CBA के, ये बड़े एंगल के इक्वल है,
और कॉमन बेस ए बी, तो हो गया ना प्रूफ कि ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। अब सीपीसीटी का यूज करके यहाँ पर डी वापस ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि अब हमें ये चाहिए नहीं, हमें अभी भी नहीं चाहिए, तो रहने दो इसको बिकॉज ये किसी भी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तो इसको हटा दो चाहे। तो अब बी डी जो है वो ए सी की इक्वल है। अब सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को यूज करके बी डी जो है वो ए सी के इक्वल हो गया, और एंगल ए बी डी, ए बी डी कौन सा हुआ, ए बी डी ये वाला जिसे मैं ज्यादा हाईलाइट करी ना, ये वाला, ये जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के। बी ए सी कौन सा है, बी ए सी ये जो मैं ज्यादा हाईलाइट करी ना ये वाले, तो ये भी सीपीसीटी का यूज करके इक्वल हो गए। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। सो अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो ये है कि ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी, रुको मैं साइड को जाती हूँ, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ए डी और बी सी इक्वल भी है और ए बी को परपेंडिकुलर भी है, यानी कि ए बी के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, यानी कि ये एंगल ए 90 डिग्री, ये एंगल बी 90 डिग्री, और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल भी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो सी डी है, जो ये हमारा सी डी है, सी डी वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, यानी कि ए बी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो कैसे होगा, ट्राइंगल एओडी में और बीओसी में क्या तीन चीजें कॉमन है, एंगल डीएओ इज इक्वल टू एंगल सीबीओ, डीएओ इज इक्वल टू एंगल सीबीओ 90 डिग्री ईच, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। और साइड कौन सी इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्वेश्चन में गिवन है, तो जिसकी वजह से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी वाया ए ए एस रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। फिर ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, अब ए ओ इज इक्वल टू बी ओ सीपीसीटी की वजह से, जिससे हम ये प्रूफ करते हैं कि जो सी डी है, जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, हेंस प्रूव। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एल एंड एम, लाइन एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। तो एल एंड एम पैरेलल लाइंस है, इनको इंटरसेक्ट करती भी दो पैरेलल लाइंस है पी और क्यू, तो यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल टाइप फॉर्म होता है, जिसको हमने फिर इनको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो हमें अब ये शो करना है कि ये ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीडीए। अब ये प्रूफ कैसे होगा, सबसे पहली बात पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट एंगल्स यूज करेंगे हम, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए एंगल बीएसी, BAC ये वाला एंगल जो ज्यादा डार्क कर रही हूं, BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, ACD ये जो ज्यादा डार्क कर रही हूं ना अभी मैं वो, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्यों, क्योंकि क्योंकि ये जो लाइंस है L एंड M और P और Q ये पैरेलल लाइंस है, इसलिए ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब अगला एंगल BCA, BCA ये वाला BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, DAC के इक्वल है, क्यों, क्योंकि अब L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए भी ये अल्टरनेट एंगल्स बन गए। अब AC और AC कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC, AC कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, हेंस प्रूव्ड ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA वाया AAS रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करके हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 डाला, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के। सो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसकी पिक खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसमें मुझे सेंड कीजिएगा। अगर कुछ गलती होगी या वो बिल्कुल सही होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी, और अगर कुछ गलती होगी तो आपको सही सोल्यूशन भी भेज दूंगी, और अगर आपको फिर भी समझना है तो मैं हूं, मैं आपको वॉइस मैसेज भेज के या फिर वीडियो बना के आपको समझा के भेज दूंगी। सो आई एम देयर फॉर यू गाइस, तो उसकी टेंशन मत लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो है, उसमें ये फिगर है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये एक फिगर है ए बी डी, यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे सी बी है और यहाँ पे ई बी है। ये कॉम्प्लेक्स ही फिगर है, ऐसे कह सकते हो कि एक पैरेललोग्राम टाइप था, या फिर पैरेललोग्राम ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी ई, जिसमें डी एक अलग से पॉइंट लगा दिया हमने और फिर उसके ट्रायंगल्स बना दिए, कह सकते हो। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब एंगल बी ए डी, बी ए डी इसको मैंने 1 मार्क कर दिया ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, और एंगल ई ए सी जैसे 2 मार्क कर दिए, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। हमें शो करना है कि बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी, बी सी इज इक्वल टू डी ई, डी ई के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू डी ई। कैसे प्रूफ होगा, देखो सबसे पहली बात, इन दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल ए डी ई के साथ कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, हमें गिवन है कि एंगल वन, एंगल वन बी ए डी इज इक्वल टू एंगल टू, यानी कि सी ए ई से इक्वल है, ठीक है। अब हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, दोनों साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या एड करेंगे, एंगल डी ए सी, डी ए सी ये जो बन रहा है ना, ये जो, ये मैं काला काला कर देती हूँ, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। एंगल वन में भी हमने डी ए सी ऐड कर दिया, एंगल टू में भी हमने डी ए सी ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल हो गया एंगल डी ए ई के, और इसको हमने 1 मार्क कर दिया, इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें दिया क्या हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए डी और ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब और हमने वन, ये इक्वेशन वन में प्रूफ किया कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, तो किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ ये, एस ए एस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमने एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। अब सीपीसीटी का यूज करके बी सी इज इक्वल टू डी ई, बस इसमें यही ध्यान रखना था कि ये एंगल ऐड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। एक बार एंगल ऐड कर दिया उसके बाद चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व होता है भाई। सो अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पी जो है वो मिड पॉइंट है, ये जो पी है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो ए पी है वो इक्वल है बी पी के, यहां से हमें ये मिल जाता है, ठीक है। हमारा जो एंगल डी ए पी है वो इक्वल है एंगल ई बी पी के, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब जो एंगल ई पी ए है उसको मैंने 1 ले रखा है, जो एंगल डी पी बी है उसको मैंने 2 ले रखा है। एंगल ई पी ए 1 है, एंगल डी पी बी 2 है, क्यों, क्योंकि जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने ये सोल्यूशन बनाया था, हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, वैसे ही हमें इसमें भी बनानी है ताकि कैलकुलेशन, हमारे जो मेथड है, हमारा जो सोल्यूशन है वो इजीली कैलकुलेट हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए, इसलिए मैंने ये 1 2 लिया। आप भी ले सकते हो, बस ध्यान रखना कि फिगर में तुम लोग सही एंगल को मार्क कर दो, नहीं तो एग्जामिनर जो होगा, जो हमारा तुम्हारा टीचर होगा जो चेक कर रहा होगा पेपर, वो नंबर नहीं देगा अगर इमेज में, अगर फिगर में मार्क्ड नहीं है तो, ठीक है। तो तुम्हें जब फिगर बनाओगे तो उसमें एंगल मार्क कर देना, मेंशन कर देना, जैसे मैंने इसे 1 और इसे 2 लिख दिया है, ठीक है। तो हमने इसको ईपीए को 1 ले लिया एंगल और इसको डीपीबी को हमने 2 ले लिया। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ईबीपी के और एडी जो है वो बीई के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन ले लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल ईपीडी, ईपीडी ये जो काला काला मैंने एंगल कर रखा ना, ये एंगल ईपीडी, ये हम दोनों साइड ऐड कर देंगे, यानी कि एलएचएस में भी और आरएचएस में भी हमने दोनों साइड पे एंगल ईपीडी को ऐड कर देना, इस वाले को, ये जो काला काला कर दिया ना मैंने ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल जाए। अब ये ऐड करने के बाद क्या होगा कि एंगल एपीडी, एपीडी, एपीडी जो है वो बीपीई, बीपीई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हमारी इक्वेशन वन बन गई। अब यहाँ आ जाओ इन ट्राइंगल डीएपी एंड ईबीपी, एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल एबीई। बीएडी यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। एंगल एपीडी जो ये बन रहा है एपीडी किसके इक्वल है, एंगल बीपीई के, बीपीई के। ये कैसे है, क्योंकि हमने अभी इक्वेशन वन में ये प्रूव किया, ठीक है। और साइड एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी जो है वो बीपी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि पी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ट्राइंगल डीएपी है वो ट्राइंगल ईबीपी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करते हुए। अब सीपीसीटी से एडी जो है वो बीई के इक्वल हो गई, सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। सो अब है इस एक्सरसाइज के सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसको भाई वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पहले तो जब एग्जाम होते थे, अब तो चलो एमसीक्यू टाइप कर दिए इन्होंने, लेकिन जस्ट इन केस आगे सीबीएसई का पैटर्न चेंज होता है, या फिर तुम्हारे स्कूल वाले अभी भी कुछ क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने वाले देने वाले हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 मार्क्स के लिए तो बहुत ही अच्छा आता है, और पहले तो 4 मार्क्स में भी एक आधी बार आ जाता था। तो ये क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका 90 डिग्री वाला एंगल राइट एंगल कहां बनता है, सी पॉइंट पे। सी पे इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए एम और बी एम इक्वल हो गए। अब सी को एम से ज्वाइन कर दिया पहले तो, फिर इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया डी पॉइंट पे, इस पॉइंट डी पे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कि सी एम जो है वो डी एम की इक्वल है। अभी हमने इसको डी बी को ज्वाइन कर दिया ताकि हमारे ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। अब हमने इस डी को बी से ज्वाइन भी कर दिया, तो हमने इस तरीके से फिगर बना ली। इस क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें फिगर दी जाए, हो सकता है नहीं दी जाए, कई बार ये फिगर वाला क्वेश्चन नहीं, ये फिगर नहीं देते हैं और ऐसी क्वेश्चन लिख देते हैं, तुम्हें फिगर बनानी पड़ती है, तो ये अपने आप एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसका सबसे पहला हमें इसमें 4 चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहला पार्ट है कि हमें ट्राइंगल एएमसी, एएमसी ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, और बीएमडी ये वाला जो ट्राइंगल है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो अब इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ये हमें प्रूव करना है कि एंगल ट्राइंगल एएमसी, ट्राइंगल एएमसी ये वाला जो ट्राइंगल है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, बीएमडी इस वाले से कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें सीएम इज इक्वल टू डीएम, ये हमें गिवन है, हमें याद दे रखे सीएम इज इक्वल टू डीएम। अब एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल डीएमबी, एंगल ए एम सी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्यों, क्योंकि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो इससे क्या हुआ, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल रख के ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी कॉन्ग्रुएंट हो गए। और सीपीसीटी से एंगल एम ए सी किसके इक्वल हो गया, डीबीसी के, यानी कि एंगल एम एम ए सी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, ये क्या हो गए, ये इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। सो अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल डीबीसी यानी कि जो ये वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री है। सो पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमने ट्राइंगल डीबीएम को ए एम सी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमें ये पता चला कि एंगल ए एम सी ये वाला, सॉरी एंगल एम ए सी किसके इक्वल है, इसके, एंगल डीबीएम के, यानी कि ये जो मैं काला काला कर रही हूं ना उसको देखना सिर्फ, अभी इसको छोड़ो, ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है ये दोनों इक्वल है सीपीसीटी से, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी बना रहे, इसका मतलब जो सी ए सी है वो डीबी के पैरेलल है, ए सी इज पैरेलल टू डीबी, क्यों, क्योंकि एंगल डीबीएम एंड एम ए सी आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, इसलिए यहां मैंने ऑल्टरनेट एंगल्स रीजन लिखा है, क्यों, क्योंकि एंगल डीबीएम और एम ए सी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइंस में होते हैं, इसलिए ये डी बी
और एसी पैरेलल लाइंस हैं। अब यही अगर हम डीबी को एक्सटेंड कर दे और एसी को एक्सटेंड करते तो बीसी जो होती है वो ट्रांसवर्सल आ गई। ट्रांसवर्सल वो लाइन जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो अब जो एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होते हैं, इसको साफ कर देती हूँ मैं, जो एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होते हैं वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इसको यहाँ पे मैं को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। तो अब एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी और एंगल एसीबी, एसीबी को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो डीबीसी प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों? क्योंकि एंगल सी तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या आ गया आंसर? एंगल डीबीसी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डीबीसी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो लाइन्स थी डीबी और एसी पैरेलल थी, बीसी ट्रांसवर्सल बनी, तो एंगल बी और एंगल सी को इंटीरियर एंगल्स बन गए, जिसकी वजह से हमारा ये प्रूफ हो गया कि एंगल डीबीसी भी 90 डिग्री है। ओके, सो अब जो थर्ड पार्ट आता है क्वेश्चन का, उसमें हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल डीबीसी, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल जो है, ये जो पूरा ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल एसीबी, एसीबी ये वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमें ये शो करना है। So, सबसे पहली चीज क्या जाती है कि एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल जो ये वाला है, और एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया था कि ट्राइंगल डी बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए एम सी के, और सीपी सी डी से एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो गया। सेकंड, एंगल बी जो है वो एंगल सी से इक्वल है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री ईच है। हमने सेकंड पार्ट में ये प्रूफ किया कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स पड़ते हैं। ठीक है, और बीसी जो है वो दोनों में कॉमन बेस है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल डीबीसी किसके कॉन्ग्रेंट हो गया? ट्राइंगल एसीबी के, यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। यहाँ पर थर्ड पार्ट खत्म होता है। अब जो फोर्थ पार्ट आता है उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि जो सीएम है, यानी कि जो सीएम है वो एबी का हाफ है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहली बात, हमने थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ किया कि ट्राइंगल डीबीसी जो है वो ट्राइंगल बीएसी के कॉन्ग्रेंट है। तो सीपी सीटी से सीडी और एबी इक्वल हो गए, सीडी और एबी इक्वल हो गए सीपी सीटी से। अब सीडी को हम क्या लिख सकते हैं? सीएम प्लस डीएम। CD को हम CM प्लस DM लिख सकते हैं। अब CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। ठीक है, अब हमने ये किया, CD की जगह क्या लिख दिया? CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। अब CM और DM, DM इज इक्वल टू CM, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है DM इज इक्वल टू CM। तो अब हम DM की जगह क्या लिख सकते हैं? DM की जगह हम लिख सकते हैं CM। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो, अब यहां पर आप लिख सकते हो CM प्लस CM इज इक्वल टू एबी। क्यों? क्योंकि डीएम और सीएम तो एक है, तो हमने दोनों सीएम लिख दिए। अब यहाँ पे हम 2 into CM लिख सकते हैं, दो बार कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हमने यहाँ 2 CM लिख दिया। अब ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि सीएम इज इक्वल टू हाफ एबी, सिंपल एज दैट। तो गाइज, इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट होती है ट्रायंगल्स की। अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो। टिल देन बाय बाय।